आदरणीय नाइक साहब के साथ में बचपन से खेरना गांव हो, बोनकोड़ा गांव हो, उसमें कोई भी जात पात धर्म पंथ का कोई एक रिस्ट्रिक्शन न रखते हुए सभी लोगों ने एक अच्छा काम नवी मुंबई के विकास के लिए किया है। घणसोली मधील गृहनिर्माण संस्थेत रोजा इफ्तारच्या आयोजनात आमदार संदीप नाईक उपस्थित होते। पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या समवेत नेहमीच मुस्लिम समाज बांधवांचे सहकार्य लाभल्यामुळे नवी मुंबई शहराच्या विकासामध्ये यांचेही योगदान आहे, असे यावेळेस ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक म्हणाले आहेत। काफी खुशी है मुझे की नवी मुंबई का माहौल हमेशा ही अच्छा रहा है। हिंदू मुस्लिम वो सभी समाज के लोग इकट्ठा रहते हैं और एक एकता का दर्शन हमेशा ही इस माध्यम से दिया है। मुझे काफी खुशी है की आदरणीय नाईक साहब के साथ में बचपन से खेरना गांव हो, बोनकोड़ा गांव हो, उसमें कोई भी जात पात धर्म पंथ का कोई एक रिस्ट्रिक्शन न रखते हुए सभी लोगों ने एक अच्छा काम नवी मुंबई के विकास के लिए किया है। सामाजिक एकात्मता हा नवी मुंबई का अविभाज्य घटक है। काफ़ी जगह पे दंगे फसाद हुए हैं, हिंदू मुस्लिम इनके बीचों में दरार लाने की कोशिश की है, लेकिन आप अगर नवी मुंबई की हिस्ट्री देखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी अनुचित प्रकार नवी मुंबई में नहीं हुआ है। नवी मुंबई का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, बौद्ध हो, सभी लोगों ने एकता का दर्शन हमेशा से दिया है। इंसानियत की पूजा की है, हर एक के सुख दुख हो, एक दूसरे के त्यौहार हो, सभी जगह पे जाके एक अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में देने का काम नवी मुंबई के माध्यम से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।